श्री मनोज सिन्हा जी मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई और इस स्थान के सांसद सतीश चंद्र दुबे जी मंच पर उपस्थित हम सभी के गार्जियन स्वरूप और जिनकी वाणी से बहुत कुछ हमें लोकसभा में सीखने को मिलता है, वैसे हमारे माननीय सांसद और पूर्व मंत्री श्री भोला सिंह जी मंच पर उपस्थित, माननीय विधायक श्री विनय वर्मा जी, माननीय विधायक श्री प्रकाश राय जी, माननीय विधायक श्रीमती भागीरथी देवी जी, माननीय विधायक श्री रिंकू सिंह जी, माननीय विधान पार्षद लाल राहुल प्रसाद जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और पूर्व मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, मंच पर उपस्थित रेलवे के डीएम श्री मित्तल साहब, डीआरएम साहब, रेलवे के सभी पदाधिकारीगण और हमारे इस नरकटियागंज और दूर दूर से चल के आए हमारे सभी भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है। नरकटियागंज का बहुत सारी बातें होती थी, आज बन रहा है पुल कल बन रहा है, दो दो बार एस्टिमेट बना, लेकिन जिस तरह का प्रयास और मेहनत श्री सतीश चंद्र दुबे जी ने इस पुल के लिए किया है वह अपने आप में ऐतिहासिक है और उसके लिए हम लोग सब तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या थी। और इसके साथ ही मैं माननीय श्री मनोज सिन्हा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि पिछले 70 साल में अगर हम लोग देखें तो केवल एक ओवरब्रिज बना है हरिनगर में, और आज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 सालों के इनके कार्यकाल में हम लोगों को 11 आरओबी मिल चुका है, 11 ऊपरी पुल केवल 2 साल के कार्यकाल में मिला है। केवल बिहार सरकार को एनओसी देना है, एनओसी देते जाइए, और हर जगह हम लोग हर छोटे कस्बे और ब्लॉक लेवल तक भी हम लोग आरओबी बनाने को तैयार है। एनओसी मिलने का बिहार सरकार में जो देरी हो रही है उसके चलते ही जो भी शिलान्यास रुकता है उसके चलते रुकता है, हम लोग जिंदगी भर इस सरकार के आभारी रहेंगे, मनोज जी के आभारी रहेंगे, क्योंकि उसको नाम है ना कष्ट था, मेरे पिताजी के बहुत ही अत्यंत मित्र हैं और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे किया, और इसके साथ ही आज हम लोग की जो डेमू ट्रेन है यह केवल आप रक्सौल से दरकटियागंज से सुगौली या रक्सौल नहीं सही है, समझिएगा यह ट्रेन सीतामढ़ी जा रही है, ये बीच में केवल नाम चेंज होगा, लेकिन इसी में बैठ के आज यहाँ से आप सीतामढ़ी सीधे जा सकते हैं, अभी कोई ट्रेन बदलने की आपको जरूरत नहीं है। उसी तरह से रक्सौल से भी आज डेमू से समस्तीपुर के लिए चली है, और मुझको पूरा विश्वास है कि इस साल जो 100 साल है गांधी जी का, एक सुपर फास्ट ट्रेन हम लोग को दिल्ली के लिए मिलेगी, इस बात का हम लोग रेल मंत्री जी से पूरा विश्वास रखते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।